स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी शर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायसेन में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने फसल ऋण माफी योजना के फॉर्म अपनी ग्राम पंचायत में जमा किए। बधाना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सुरगांव में की दीदी चेतना भारती के मुखरबिंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अनेक जिलों के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बुरहानपुर जिले की रखवाड़ तहसील में सूखी नदी में बेलों की टक्कर की गई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्र मंत्री अरुण यादव का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। 2 दिन से लापता विष्णु की लाश हुई बरामद। पुलिस जांच में जुटी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पंखाजूमी के सिविल अस्पताल में भेजा। धार में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। धार नगर पालिका कर्मचारियों को महिलाओं ने हथियार और डंडे के बल सड़क पर दौड़ाया। नगर पालिका का अमला जान बचाकर भागा। नक्सली हिंसा के शिकार ग्रामीण सरकारी बेरुखी से मायूस। कलेक्टर से आवास और नौकरी दिलाने की लगाई गुहार। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का कार्यक्रम रायसेन जिले के ग्राम पंचायत अंगाड़ी में किया गया है। यहां पर किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफी संख्या में किसान अपनी ग्राम पंचायत में पहुंच सचिव द्वारा फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि रायसेन जिले की हर पंचायत में किसान कर्ज माफी के फॉर्म पंचायत स्तर पर भरे जा रहे हैं, जिससे कोई भी किसान छूट न पाए। कांग्रेस कार्यकर्ता भी किसानों के फॉर्म स्वयं आगे रहकर भरवा रहे हैं। कर्ज माफ होने पर किसानों को भारी राहत मिलेगी और भविष्य में भी किसानों की भारी सहायता करेगी कांग्रेस सरकार। पधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरगांव राठौर में श्री दीदी चेतना भारती के मुखरबिंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का कार्यक्रम किया गया। कथा के 5वें दिन श्री दीदी चेतना भारती ने कहा कि आज देश की गाय माता और स्त्रियों पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें गाय माता और हमारी माता बहनों का सम्मान करना होगा। श्री दीदी चेतना भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो वचन पत्र में कहा गया है कि हर गांव में गौशाला खोली जाएगी, इस पर भी शीघ्र अमल होना चाहिए और प्रत्येक गाँव में गौशालाएं खोली जानी चाहिए, ताकि हमारी गाय माताएं इधर उधर ना भटके। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम में गौशाला खोलने की पहली पर दीदी ने हर्ष व्यक्त किया और कहा कि भारत की संस्कृति का गुणगान सारा विश्व करता है। हम सबकी जवाबदारी है कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना है तो गाय माता का सम्मान करना होगा। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील में सूखी नदी पर बेलों की टक्कर का आयोजन किया गया। हर वर्ष यह आयोजन संक्रांति पर किया जाता है। बेला टक्कर में लड़ाई करते हुए कि कई बार बेल जनता के बीच पहुंच जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। शाहपुर में पिछले वर्ष तो एक व्यक्ति की जान चली गई थी, इसलिए प्रशासन ने इस तरह के आयोजन पर रोक लगा रखा है। किसी भी जानवरों को आपस में लड़वाना मनोरंजन के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के आयोजन जानवरों पर अत्याचार की श्रेणी में आता है। पधाना ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी के कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नेताओं कांग्रेस नेत्री श्रीमती छाया मोरे के तत्वावधान में उनके निवास स्थान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में माननीय अरुण जी यादव के काका जी राजेंद्र जी यादव तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी तरह ग्राम छेगांव माखन में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भी केक काटकर अरुण यादव का जन्मदिवस मनाया एवं छात्रावास की बालिकाओं को मिठाई वितरण की। 2 दिन से लापता विष्णु हालदार की लाश जंगल से बरामद की गई। ग्राम पीवही 93 के रहने वाले विष्णु हालदार छोटे बेठिया में रहकर खेती किसानी किया करते थे। पिछली सुबह घर से खेत गया और वापस घर नहीं पहुंचा, तो घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर खोजबीन करते हुए नदी के उस पार गुड़िया के जंगल से
विष्णु हालदार को मृत देह पाया। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पंखाजू सिविल अस्पताल भेजा गया है। धार रतलाम रोड पर नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो अतिक्रमणकर्ताओं ने शासकीय जमीन पर झोपड़े बनाते नजर आए। नगर पालिका के द्वारा पूर्व में नोटिस दिए जाने के बाद अमला आज अतिक्रमण हटाने जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा था। अमले ने जैसे ही कार्रवाई प्रारंभ की वैसे ही महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे खड़ी होकर रास्ता रोकने लगी, तो वहीं कुछ महिलाओं ने सीएमओ राधेश्याम मंडलोई को अपशब्द भी कहे। महिलाएं हाथ में डंडा पत्थर फलियां उठाकर नगर पालिका अमले के पीछे दौड़ पड़ी। नगर पालिका का अमला जेसीबी मशीन छोड़कर जान बचाकर भागा। वहीं सीएमओ राधेश्याम मंडलोई नौगांव पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस की मदद मांगी। नक्सली हिंसा के शिकार लोगों ने मंगलवार को कलेक्टर के जनदशा में नौकरी और रहने के लिए आवास की मांग की। पुलिस की सुरक्षा में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलियों ने मारपीट कर उन्हें गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के सदस्य की हत्या कर दी गई। कांकेर जिले के अलग अलग गांवों में नक्सली हिंसा से पीड़ित लोगों ने पलायन कर पुलिस के राहत शिविर में शरण ली है। इनके बीच जीवन यापन का संकट गहरा गया है। पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर रानू साहू से नौकरी दिलाने की गुहार लगाई है।